आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में जब भी हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते हैं, सेफ शॉप का फॉर्म भरा रहे होते हैं, तो शॉपिंग करने की जब बात आती है तो सेफ शॉप का जो भी प्रॉस्पेक्ट होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, वो पूछ पड़ता है कि सेफ शॉप में ज्वाइन होने के लिए, आने के लिए, इसमें मेंबरशिप लेने के लिए कितने रुपए की ख़रीदारी करनी पड़ेगी। और हम तपाक से बोल पड़ते हैं कि सर 10,000-12,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। या जो लोग थोड़ा समझदार लोग होते हैं या जो थोड़ा एक्टिव एसोसिएट होते हैं, वे बात समझ जाते हैं कि यहाँ बात अमाउंट की नहीं है, यहाँ बात बिज़नेस वॉल्यूम की है। और जब बिज़नेस वॉल्यूम की बात आती है तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 50 BB बताएँ कि 100 BB बताएँ कि 125 BB बताएँ या हम इसे 200 BB बताएं। ये 4 या 5 तरह के जो बिज़नेस वॉल्यूम हैं, इसके बारे में हम आज के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इनको लेने के बाद से क्या फ़ायदा मिलता है और क्या फ़ायदा मिलना रह जाता है, बाकी रह जाता है। तो दोस्तों, आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे कि आपसे अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि सेफ शॉप में कम से कम कितने रुपये की शॉपिंग करनी है या कम से कम कितने रुपए बिज़नेस वॉल्यूम की शॉपिंग करनी है, तो आपको क्या सही आंसर देना है। और ये आंसर आपका नहीं है और मानवेंद्र का नहीं है, ये आंसर www.safeshopindia.com का है। आप भी जा कर के इस आंसर को उनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं, उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। तो ज़्यादा देर न करते चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं आप। अभी बजा आएगा ना। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में जब भी कभी हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि ये बीबी क्या होता है। प्रोडक्ट का अमाउंट तो समझ में आता है लेकिन ये बिज़नेस वॉल्यूम या बीबी क्या होता है। तो दोस्तों, इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने बिज़नेस वॉल्यूम क्या होता है या पॉइंट वैल्यू क्या होता है, सेफ शॉप में इसे बिज़नेस वॉल्यूम का क्या अर्थ है, क्या मायने है, इसका फुल ट्यूटोरियल इस वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, अपनी टीम में भी इसे शेयर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, सेफ शॉप में कितने बिज़नेस वॉल्यूम से शॉपिंग करानी चाहिए किसी नए व्यक्ति को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आया था तो मैं 100 बिज़नेस वॉल्यूम से आया था। आप कितने बिज़नेस वॉल्यूम से आए थे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब बात ये है कि कितने बिज़नेस वॉल्यूम से अगर ज्वाइन कराएं, तो कभी कभी लोग कहते हैं 50 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा देते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि 100 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा देते हैं, और कभी कभी लोग कहते हैं 125 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा देते हैं, और कभी कभी लोग कहते हैं कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराइए। और मैं कहता हूँ कि आप उसे 1 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात यह है कि फिर 1 बिज़नेस वॉल्यूम से क्यों ज्वाइन नहीं लोग कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि आप सेफ शॉप में अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1 बिज़नेस वॉल्यूम से भी ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन सोचिए कि सेफ शॉप में अगर ये 1 बिज़नेस वॉल्यूम से हम लोग क्यों नहीं ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि आप ऐसे देखिए, इसको नहीं कराने का एक रीज़न है कि देखिए 1 रुपये का बिज़नेस वॉल्यूम, एक अगर बिज़नेस वॉल्यूम है तो उसका कितना होगा। अगर 1 बिज़नेस वॉल्यूम लेफ्ट में लगा और 1 बिज़नेस वॉल्यूम राइट में लगा तो 1 बिज़नेस 1 × आप देखें तो 2.5 और 1 × 2.5, ठीक है। तो आप देखें तो आप कितना पैसा मिलेगा, बहुत मिलेगा तो 7 रुपये मिलेगा, सही ना, बहुत मिलेगा तो 7 रुपये मिलेगा। आप पूछेंगे कैसे, तो भाई आप जानते ही हैं कि 2.5 रुपये इधर से, 2.5 रुपये उधर से, 5 रुपये और 1-1 रुपये का डायरेक्ट रेफरेंस, तो 5 × 2 = 7 रुपये हो गया, तो 7 रुपये मिलेगा। अब आप किसी के यहाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद से आप जो है वहाँ जा कर के 7 रुपये कमाते हैं, तो आप बताएं बिज़नेस में आप प्रॉफिट कर रहे हैं या बिज़नेस में लॉस कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो आप कभी भी 1 बिज़नेस वॉल्यूम से किसी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा सकते। आप भी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जब आपकी टीम में कोई नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप भी तो किसी की टीम में हैं, तो वो भी नहीं चाहेगा कि आप जो है 1 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करें। तो जो आप नहीं चाहते हैं, कोशिश करिए कि जो आप नहीं चाहते हैं वो दूसरे से भी आप ना कराएं। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते नहीं, हम थोड़े में ही निपट लेते हैं, अगले को हम चेप देते हैं, अगले को हम चिपका देते हैं,
तो ऐसा करेंगे तो ये दिन ये बहुत दूर तक नहीं जाता है, बहुत दूर तक जा नहीं जाता, हो सकता है तुरंत मज़ा आ जाए लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाता है। वो गुब्बारे की तरह होता है, जब तक हवा रहती है तब तक अच्छा लगता है, जब निकल जाती है तो फिर पता चलता है यार ना बेचने वाले को मज़ा ना खरीदने वाले को मज़ा। तो ये एक बिज़नेस वॉल्यूम को हम लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं, नहीं तो आप एक बिज़नेस वॉल्यूम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ख़तरा इस बात का होता है कि एक बिज़नेस वॉल्यूम से व्यक्ति कहता है आप एक बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा दीजिए, बाद में मैं शॉपिंग कर लूँगा। लेकिन आप सोचें कि अगर कोई व्यक्ति एक बिज़नेस वॉल्यूम से, अगर मान लीजिए ABCD नाम का कोई भी व्यक्ति है और अगर आपने एक बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा लिया, आपका FIM हो गया, आप अपने सीनियर को की गाड़ी पर बैठ करके गए किसी अग्रवाल जी को प्लान दिखाने या गुप्ता जी को प्लान दिखाने, और गुप्ता जी को आपने क्या बताया, एक बिज़नेस वॉल्यूम से आप बता पाएंगे कि मैं एक बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन हूँ, आप भी एक बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करिए? बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप कहेंगे सर इतने 200 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करिए, इतने बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करिए, और वो पूछेगा कि आपका कौन सा सामान आया, तो आप कहेंगे यही वाला सामान आया 200 बिज़नेस वॉल्यूम का, या इसके और इधर उधर वाला आया, आप एक बिज़नेस वॉल्यूम वाला नहीं बताएंगे। तो आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? कभी भी आप ये नहीं चाहेंगे कि मेरी जो दुकान खुले या मेरी जो दुकान का पहला ग्राहक हो वो झूठ की बुनियाद पे आए। तो जो आप नहीं चाहते प्लीज़ आप वो ना करें, आप ये ना करें, वो ना करें जो आप दूसरे से उम्मीद नहीं करते। आप झूठ बोलेंगे फिर वो झूठ बोलेगा, क्योंकि आज वो आपके लिए नया है, कल तो उसे पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल उसे पता चलेगा कि आप कितने रुपए से ज्वाइन किए थे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसके साथ आप बैठेंगे उठेंगे, रूम शेयर करेंगे या उनके मित्रों से मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जान जाएगा आदमी कि आप कितने रुपए से शॉपिंग किए थे, और इस तरह से सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, फिर विश्वास उड़ जाता है। इसके बाद से आता है 50 बिज़नेस वॉल्यूम का। तो लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि सर 50 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन कर देते हैं, 50 बिज़नेस वॉल्यूम बाद में करते हैं, तो बात वही आ जाती है। और दूसरी, एक बिज़नेस वॉल्यूम से नुकसान ही होता है, या आपने जान लिया इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ही होता है कि एक बिज़नेस वॉल्यूम में CCC का फ़ायदा नहीं मिलता, अगर आप एक बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन करेंगे तो। अब बात करते हैं 50 बिज़नेस वॉल्यूम की। 50 बिज़नेस वॉल्यूम से भी लोग कहते हैं ज्वाइन कर लेते हैं सर, बाद में टॉपअप करा लेंगे। तो 50 बिज़नेस वॉल्यूम से भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि 50 बिज़नेस वॉल्यूम से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि मैं 50 बिज़नेस वॉल्यूम से ज्वाइन हूँ। आप, सबसे बड़ी बात है कि सेफ शॉप का जो बिज़नेस प्लान है ये डुप्लीकेशन का प्लान है। अपना की हुई जो बातें हैं, अपनी की हुई जो एक्टिविटी है वो दूसरे को आप बताते हैं, और जो आप बताने के लायक वही आप बताते हैं, जो बताने के लायक नहीं है वो आप करते भी नहीं, और बताना तो बड़ी दूर की बात है। तो समझने वाली बात यह है कि आप जो शॉपिंग करते हैं वही दूसरे को बताते हैं, और कई लोग तो इनवाइस लेकर के जाते हैं, देखिए सर मैंने ये शॉपिंग किया था और आप भी इसे कर लीजिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप ऐसे देखें तो 50 बिजनेस वॉल्यूम की अगर आप करेंगे तो आपकी पूरी टीम 50 बिजनेस वॉल्यूम की करेगी, क्योंकि टीम आपसे, जो प्रोस्पेक्ट होता है वो तो आपसे पूछता ही है कि आपने कौन सी रुपए की शॉपिंग की थी, कितने रुपए की शॉपिंग की थी, कितने बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग की थी, और कौन सा सामान लिया था। आज नहीं पूछ रहा, कल पूछ लेगा, कल नहीं तो कभी पूछ लेगा, और जब कभी भी पूछ लेगा और वो जान जाएगा तो सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे, पर्ल लेवल पे, किसी भी लेवल पे जब वो जान जाएगा कि आपने उतने रुपए की शॉपिंग नहीं की थी, तो फिर उसके दिमाग में आपके प्रति थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये चीज़ें 50 बिजनेस वॉल्यूम से भी, मैं यही कहूँगा कि 50 बिजनेस वॉल्यूम से शॉपिंग ना करें, आप इसको अवॉइड करें कि आप एक बिज़नेस वॉल्यूम से, 20 बिजनेस वॉल्यूम से, जब आप कर ही रहे हैं तो अच्छे से करिए। अच्छे से करने का मतलब कि दूसरे से बता सकें कि मैंने ये लिया था, रीजनेबल बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करें, और इतना तो करिए, इतने से तो करवे करिए कि आप दूसरे को बता सकें और दूसरे से खरीदवा सकें। अब बात आती है 100 बिजनेस वॉल्यूम की। तो 100 बिजनेस वॉल्यूम की बात जब आती है तो मैं यहाँ पर सहमत हूँ कि आप जब 100 बिजनेस वॉल्यूम से शॉपिंग कर सकते हैं और 100 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग दूसरे को करा सकते हैं मिनिमम, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने की चाहत रखते हैं और पैसे कमाने की चाहत रखते हैं, या सही डुप्लीकेशन आपकी टीम में हो इसकी चाहत रखते हैं, इसकी इच्छा है, तो आप 100 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करिए और खुद का पेन लीजिए, ताकि खुद का पेन लेने की वजह से वो किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन बनता है। हम अगर कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके अगर हम 100 BB से शॉपिंग कर लेते हैं तो हमारे रिकॉर्ड में हो जाता है कि हमने 100 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन किया है और आपको भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से सर्कुलेट होता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि 100 बिजनेस वॉल्यूम से मैं क्यों कह रहा हूँ कि शॉपिंग करिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि शेप शॉप में बहुत सारी इनकम का सोर्स है। जैसे सबसे पहले सोर्स है कि आप डायरेक्ट रेफरेंस आप कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ रेफरेंस है, दो आप लगा सकते हैं। इसके बाद से बूस्टर इनकम है, दूसरी इनकम होती है। इसके बाद से CCC इनकम है, CCC इनकम में भी एफर्ट लॉयल्टी इनकम है, कार फंड है, ट्रेवल फंड है, रैंक इनकम है, ACPC इनकम है।
तो मैं आपको बता दूं कि 100 बिजनेस वॉल्यूम मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि अगर ELS का फ़ायदा लेना है, ट्रिपल सी का फ़ायदा लेना है, तो आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम से शॉपिंग करनी पड़ेगी। मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम का आपका शॉपिंग होना ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेफ शॉप की वेबसाइट कह रही है, www.safeshopindia.com। यहाँ अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम से आप शॉपिंग करते हैं, तो यही 100 बिजनेस वॉल्यूम आपका पेयर इनकम में भी काउंट होता है, बूस्टर इनकम में भी काउंट होता है, ट्रिपल सी यानी कि आपका कार फंड, ट्रेवल फंड, ACPC और रैंक इनकम में भी आपका ये काउंट होता है। तो आप क्या चाहते हैं दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि 100 बिजनेस वॉल्यूम की अगर मैं शॉपिंग करूं या 50 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग करूं और वो केवल मेरे पेयर इनकम में कंप्लीट हो, केवल मैचिंग इनकम मुझे मिले, हमें ट्रिपल सी में नहीं चाहिए, हमें रैंक इनकम नहीं चाहिए, हमें ACPC नहीं चाहिए, कार फंड नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप नहीं चाहते हैं क्या? आप नहीं चाहते कि एक बार मैं काम करूँ, एक बार मैं पैसा लगाऊं और उसी पैसे का मुझे फ़ायदा कई जगह पर मिले? अगर आप ये चाहते हैं, कई लोगों को मिलता है, मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा अगर आप 100 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन होते हैं मिनिमम, तो उसका फ़ायदा आपको पेयर इनकम में भी मिलेगा और उसका फ़ायदा आपको ट्रिपल सी ELS वाले भी इनकम प्रोफाइल में मिलेगा और जीवन भर मिलेगा। एक तो ये फ़ायदा हो गया। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर अगर आप 100 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन होते हैं तो ये कुछ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। इसके बाद से तीसरा आता है 125 बिजनेस वॉल्यूम का। कई लोग 125 बिजनेस वॉल्यूम को भी नहीं जानते हैं, तो आप ऐसे समझें कि अगर बूस्टर इनकम आपको चाहिए, क्योंकि आप देखें तो मैंने पहले भी बता रखा है इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने बता रखा है कि तीसरी, नौवीं, छठी और नवीं इस वाली आईडी अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको इसमें जो है बूस्टर इनकम मिलता है, ठीक है। यानी कि जो आप देखें तो जो 2.5 रुपये मिलता है वो यहाँ पर सीधे जो है आपको जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला स्क्रीन मैंने बता रखा था सभी लोगों को इस वाले ट्यूटोरियल में। तो आप ऐसे देखें तो आप बूस्टर इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप 125 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 200 बिजनेस वॉल्यूम से क्यों ज्वाइन करना है? 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करने के बाद से आप एक जैसे लोगों के अंदर आपके प्रति छवि अच्छी हो जाती है, आपको भी लगता है कि हाँ मैंने किसी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको और बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा मिल जाता है। और जब आप प्लान दिखाते हैं तो सीना ठोक करके आप कह सकते हैं कि मैंने इतने बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन किया है, आप भी करके शुरुआत करिए। तो जो सामने वाला होता है उसे बहुत अच्छा लगता है कि ये बंदा वही बात कह रहा है जो उसने खुद किया है। ऐसा ये बंदा नहीं है कि ये दूसरा काम करके और हमें अपना टॉफ़ी खा रहा है, हमें कह रहा है चॉकलेट खरीद लो, बहुत बढ़िया है। तो आजकल मार्केट में और समाज में लोग ये राय नहीं सुनना चाहते, ये फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक करते हैं क्या मतलब कि जो चीज़ें बोल रहे हैं ओरिजिनल ये चीज़ है कि नहीं है, डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं, इसके आसपास भी कोई चीज़ है कि नहीं है। अब पता चलता है कि हम आए रिक्शे से और बता रहे हैं कि नहीं, मैंने तो जो देखिए मेरे पास तो क्रेटा की कार वो है, चाबी है, तो दिक्कत वाली बात है। ये बिल्कुल भी मत कहिए जो आप नहीं हैं, जो आप हैं वही कहिए, भले कम है या ज़्यादा है, एकदम ईमानदारी से कहिए। तो मैंने आप लोग को आज के इस ट्यूटोरियल में बताया, आई होप आप लोग को समझ में आया कि आखिर एक्चुअल में कितने बिजनेस वॉल्यूम से लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए। देखिए क्या है दोस्तों, कम से कम एक बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बात वही है कि एक बिजनेस वॉल्यूम से क्यों और क्यों नहीं। और बात मैंने बताई आपको 50 बिजनेस वॉल्यूम से क्यों और क्यों नहीं, और 100 बिजनेस वॉल्यूम से क्यों और क्यों नहीं, 125 बिजनेस वॉल्यूम से क्यों और क्यों नहीं, और 200 बिजनेस वॉल्यूम से क्यों और क्यों नहीं। ये अगर आपको ट्यूटोरियल कुछ समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग को क्या समझ में आया, कौन से बिजनेस वॉल्यूम से आप लोग ज्वाइन करना उचित समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाया है, आप लोग अपने सीनियर की गाइडलाइन में रह करके ही काम करिएगा, उन्हीं की राय आपके लिए एक अंतिम राय है। ये बिजनेस वॉल्यूम के लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने इसे बताना और बनाना। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट यही है कि इस ट्यूटोरियल पे अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरा जो फेसबुक पेज है DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप लोग वहाँ पे भी जाके उसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता लेकिन उसे फेसबुक पर अपलोड कर सकता हूँ। और आप लोग अगर इस ये ट्यूटोरियल में कोई सवाल रह गया पूछना आप लोग को, यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं, किस नाम के व्यक्ति हैं और किस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने में मदद मिलती है, उनको समझने में आसानी होती है कि उनके भी शहर में आप जैसा, आपके काम करने जैसा व्यक्ति कोई काम
कर रहा है, इससे बहुत ही ताकत और हिम्मत मिलती है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।